स्टूडेंट, तो आज फिर से अपन बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर की। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे अपना जो कल का टॉपिक चल रहा था टोटोमेरिज्म, उसी को। देखिए, टोटोमेरिज्म में मैंने आपको सारे एग्जांपल बता दिए थे, बट शायद एक जगह पर मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल है उसको कम्प्लीट नहीं किया था, थोड़ा सा उसको देख लें। जो अपन ने ग्लूटाइन लिया था ना, ठीक है, उसको देखिए, ग्लूटाइन जो लिया था उसको कंसिडर करते हैं। तो अपने पास टोटल जो बन गए थे, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया था, दोनों आइडेंटिकल थे, तो ये वाले तीन हो गए थे। और एक और मेरे पास बन सकता है, इस चीज को भी देख लो, जैसे सी एस थ्री मेरे पास हो जाए, सी अपने पास आ जाए, सी एल आ जाए, ठीक है, और सी एस थ्री आ जाए और सी एस थ्री आ जाए, ठीक है भाई। इतने अपने पास बन गए थे टोटल, जो अपने पास था सी फोर एच टेन वाली कंडीशन थी, तो उस चीज को अपन देख लें। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो सकता था, ये एक जो एच था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके अपना मोनोक्लोर प्रोडक्ट बना सकते थे, तो एक ये वाला हो जाए। तो टोटल जो अपने पास एनसीपी बन गए वो फोर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास सी फोर एच टेन दे दे और उसका एनसीपी पूछ ले आपको मोनोक्लोर प्रोडक्ट, दैट इज अ फोर, ठीक है। और बाकी आपको सारे समझा ही देते, रिंग वाला भी मैंने आपको समझा दिया था कि वन टू थ्री, टू डिग्री, वन डिग्री और थ्री डिग्री, इन तीनों पोजिशन पर मिला के अपने पास चार प्रोडक्ट बन गए, तो टोटल एनसीपी अपने पास चार बन गए। तो ये मेरे पास क्या था, पुराना जो कल का लेक्चर था उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा करेक्शन करवा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अपना आज अपन बात करेंगे, दैट इज अ फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या सिखाता है अपने को, क्या बताता है फंक्शनल आइसोमर में अपने को, क्या चीज ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर देखिए, फंक्शनल आइसोमर्स में अपने पास क्या होता है इसको समझते हैं। फंक्शनल आइसोमर का मतलब है अपने पास क्या होता है, एक कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट बट मॉलिकुलर वेट इज सेम, बट मॉलिकुलर वेट सेम। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, हमेशा ही ध्यान रखना है कि मॉलिकुलर वेट जो है वो सेम ही रहना है भाई। अगर मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है, फिर मैं आइसोमर में लगा ही नहीं सकता। तो मॉलिकुलर वेट भी मेरे पास क्या हो, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं मॉलिकुलर वेट की बात क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जनरल फार्मूला जो मेरे पास हो, या मॉलिकुलर फार्मूला जो वेट लिख दिया, मॉलिकुलर फार्मूला जो मेरे पास वो सेम हो, ठीक है। जैसे फंक्शनल आइसोमर का एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, देखिए अल्कोहल को देखिए और ईथर को देखिए, अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, अल्कोहल और ईथर को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल और ईथर को अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अल्कोहल है CH3CH2OH, ये अल्कोहल ऑब्वियस बात है OH ग्रुप अटैच है तो अल्कोहल कहेंगे इसको, ठीक है। और देखिए इसी को मैं लिख देता हूँ इस तरह CH3OCH3, ये क्या है मेरे पास ईथर है, ठीक है। दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं, देखिए नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास क्या है, C2 है और H5 है, और या H6O लिख देता हूँ इस तरह से, मैं टोटल अपने पास हाइड्रोजन 6 है और O गया। और ईथर में अगर आप देख रहे हो तो C2 है, H6 है, O है। तो देखिए जनरल फार्मूला या मॉलिकुलर फार्मूला जो वो सेम हो, ये वाली बात अपन ने बोली थी, बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, अल्कोहल और ईथर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो आप एक नहीं कह सकते, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सेकंड देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं अपन, अल्कोहल और फिनॉल में अपन कंसीडर करके देखते हैं कि अपने पास जैसे देखिए ये फिनॉल है, क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं है देखते हैं। और ये देखिए मेरे पास क्या है, ये देखिए ये जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच कर दी, और यहाँ देखिए ये मेरे पास जो है CH2OH हो गया। अब बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए मैं फिनॉल में तो मेरे पास वापस से मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो मैंने नीचे बनाई है उसी को, OH मेरे पास है, यहाँ पर मैंने CH3 लगा रखा था और एक तरफ मेरे पास क्या था, ये वाली स्ट्रक्चर थी और CH2OH था। इसको आप इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या है OH ग्रुप अटैच है, और ये क्या है बेंजीन रिंग के साथ अगर OH अटैच हो तो फिनॉल कहते हैं, ध्यान देना। ये अपने पास जो बेंजाइल कार्बन है ना, बेंजाइल कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, ना कि बेंजीन रिंग से, बेंजाइल कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो इसको अपन बोलते हैं अल्कोहल, ये अल्कोहल है। जबकि अगर डायरेक्ट OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से अटैच हो तो उसको बोलते हैं अपन फिनॉल,
अब देखिए फॉर्मूला देखते हैं अपन। देखिए मेरे पास जैसे कार्बन का नंबर 6 C7 है, ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन में मेरे पास क्या होगा H10 हो जाएगा है ना, H11 हो जाएगा और O हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब ऊपर जैसे सॉरी एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड याद था, एक H निकल गया सॉरी, तो H10 हो जाएगा और O हो जाएगा। देखिए H10 भी नहीं होगा, वापस से काउंट कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया 1 2 3 4 4 तो ये 7 हो गया और 4 और 8 हो गया C7H8O, ये मेरे पास इसका फार्मूला हो गया ठीक है। और इसमें देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास वापस ही यहां पर भी 7 है, इसको काउंट करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां पर 1 2 3 4 5 5 है यहां वाला गया ठीक है, 6 7 ठीक है और 1 8 तो H8O4, ये मेरे पास देखिए इनका जनरल फार्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है बट दे आर नॉट सेम कंपाउंड, एक अल्कोहल है और एक फिनॉल है मेरे पास, तो फंक्शनल आइसोमर्स ठीक है। और इसी कंडीशन में अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिनॉल को और ईथर को, फिनॉल एंड ईथर, देखिए फिनॉल और ईथर को समझने का ट्राई करते हैं, फिनॉल और ईथर कैसे करते हैं। फिनॉल और ईथर अपने पास देखिए ये OH हो गया, CH3 हो गया, ये फिनॉल हो गया और इसी को अगर मैं इस तरह से लिख दूं OCH3 तो ये मेरे पास ईथर हो गया। देखिए फार्मूला वापस से वही, इसका तो C7H8O हो जाएगा और इसका देखिए तो यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा 1 2 3 4 5 5 तो कार्बन है और 3 8 हो गया और C7H8O, तो देखिए तीनों मेरे पास क्या होगा, फिनॉल और ईथर भी अपने पास क्या हो गए बिल्कुल आइसोमर हो गए एक दूसरे के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ उनको आप माइंड में बैठाते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए फोर्थ अपन देखते हैं अमीन्स, अमीन की बात करते हैं, अमीन जो होते हैं वो भी अपने पास क्या होते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। जैसे जैसे CH3 मेरे पास हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और N हो गया मेरे पास और H हो गया और H हो गया, इसे क्या बोलते हैं 1 डिग्री, क्या है भाई 1 डिग्री अमीन। अभी बात समझ में, देखिए अब 1 डिग्री अमीन को मैंने बता दिया आपको, देखिए सेकंड देखिए ठीक है, जैसे मैं बात करूं फिफ्थ नंबर सर इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH2 अपने पास हो गया, N हो गया, H हो गया और CH3 हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन 2 डिग्री अमीन बोलेंगे ठीक है, 2 डिग्री अमीन बोल दिया। अभी बात समझ में, और इसी को एग्जांपल में मैं और ले लेता हूं, CH3 मेरे पास आ जाए, N आ जाए, CH3 आ जाए और CH3 आ जाए, इसे क्या बोलेंगे अपन 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन देखते हैं, कार्बन का नंबर देखिए 1 2 3, तीन कार्बन अपने पास है तो C3 में बोल देता हूं, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 8 और 9, H9 हो गया मेरे पास और N हो गया, ये मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसको देखते हैं अपन, तो देखिए कार्बन का नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 3, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 और 3 8 और H9 ठीक है, 9 हो गया और एक नाइट्रोजन, क्या सेम है यहाँ पर देखिए 3 3 3 9 और C3 H9 और N, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ऑब्वियस बात है 1 डिग्री अमीन अलग है, 2 डिग्री अमीन अलग है और 3 डिग्री अमीन अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्या है भाई आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये मेरे पास क्या है आइसोमर है, एक दूसरे के आइसोमर है। अगली बात समझ में क्लियर है, देखिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, जैसे मैं अमाइड को भी कंसीडर कर लूंगा ठीक है, अमाइड को भी आप कंसीडर करके देख लीजिए, इसमें क्या होता है मेरा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू वाला ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो सारे अमाइड करते हैं। देखिए इसमें भी अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और एच, इसको अपन क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड अपने पास होता है ठीक है, अब 1 डिग्री अमाइड होता है। सेकंड में इसमें कंसीडर कर सकता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N H और CH3, ये मेरे पास क्या होता है 2 डिग्री अमाइड होता है, आगे बात समझ ठीक है। और थर्ड एग्जांपल को अगर मैं बात करूँ थर्ड एग्जांपल की, तो थर्ड एग्जांपल अपने पास क्या होता है उसको भी अपन देख लेते हैं देखिए थर्ड एग्जांपल में मैं इसी के लिए बोलता हूँ CH3
मेरे पास हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एस थ्री और सी एस थ्री, तो ये मेरे पास क्या हो गया 3 डिग्री अमाइड हो गया। आगे बात समझ में, तो ये मेरे पास क्या है 3 डिग्री अमाइड। अब इन दोनों तीनों में डिफरेंस देखते हैं, देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन क्या है 4 है, सी 4 हो गया, 3 2 5 2 7 एक 8 एक 9, 9 मेरे पास हो गया एच 9 हो गया ठीक है, और नाइट्रोजन मेरे पास है ऑक्सीजन, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें देखते हैं सी 4 आ रहे हैं ठीक है, 1 2 3 4 देखिए 3 2 5 और 5 और 6 और 6 और 3 9, एच 9 आ रहा है, एन आ रहा है और ओ आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, और यहाँ पर भी मेरे पास यही होगा सी 4 एच 9 एन ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कंपाउंड्स आर नॉट सेम, तो मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर आगे क्या बात समझना ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, फोर्थ हो गया होगा शायद, फिफ्थ टाइप देखते हैं अपन। फिफ्थ टाइप में अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एंड एस्टर, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे देखिए सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये मेरे पास क्या हो गया फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसी को अगर मैं इस तरह से लिख दूं एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, देखिए क्या डिफरेंस है, कार्बन का नंबर क्या है 2 है तो सी टू हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 एच 4 हो गया, और ऑक्सीजन का 2 है सी टू एच 4 ओ 2 अपने पास हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर अपने पास 4 है और ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो सी टू एच 4 ओ 2 हो गया। तो दोनों का क्या है अपने पास मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम आ रहा है बट द कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट डिफरेंट, तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये एक ही है, तो इसका मतलब इनमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देखिए 6 नंबर अपन बात करें, 6 नंबर पे अपन क्या बोल सकते हैं, 6 नंबर पे अपन बोल सकते हैं कि देखिए सबसे फेवरेट अपना एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को अपन देखते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन को आप देखिए, देखिए सबसे सिंपल से एल्डिहाइड अपने पास उसी को ले लेता हूं COH है, आपको पता है कि भाई ये ग्रुप जो प्रेजेंट होता भी उसको एल्डिहाइड कंसीडर करो, और देखिए ये वाला मेरे पास क्या है कीटोन है। अभी बात समझ में, अभी यहाँ पर अपन क्या करते हैं ये वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं CH2CH3, ये एल्डिहाइड ले लेते हैं और वो कीटोन ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एल्डिहाइड और कीटोन में अपने पास क्या रिलेशन है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन देखता हूँ C3 हो गया, 3 2 5 और एक 6 हो गया, H6 हो गया ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया C3H6O हो गया। अगली बात समझ में, यहाँ पर देखिए C3 हो गया, H6 हो गया और O हो गया, ये भी इसका आइसोमर हो गया, लेकिन कौन सा फंक्शनल आइसोमर हो गया, तो यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल आइसोमर किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं ठीक है। देखिए एक बार ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अपने पास जो नया आइसोमर है वो कौन सा आइसोमर है उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आइसोमर अपन देखते हैं, अब नेक्स्ट टाइप के आइसोमर में अपन क्या देखते हैं, जैसे 7 नंबर पे अपन मैं बोलूं आइसोमर में तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड ठीक है भाई, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, जैसे एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 और CN साइनाइड हो गया, और दूसरी तरफ CH3 CH2 और NC आइसोसाइनाइड। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन देख लेते हैं 1 2 3 3 नंबर ऑफ कार्बन 3 हाइड्रोजन के 3 2 5 H5 है और N है, ये मेरे पास हो गया। दूसरा देखिए कार्बन नंबर 3 है H5 है और ये N, बिल्कुल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएंगे बिल्कुल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, क्लियर है। देखिए ये अपन देखते हैं थायोल, थायोल एंड थायोइथर, थायोइथर ठीक है, ऑब्वियस बात है आपको पता है थायोल किसको कहते हैं एसिड जिसमें जुड़ा रहता है, और थायोइथर में अपने पास दोनों तरफ सल्फर के कंपाउंड अटैच रहते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखो CH3 CH2 CH2 और SH, ये मेरे पास क्या होता है थायोल होता है ठीक है बात, और इसी को अगर मैं इस तरह से लिख दूं CH3 CH2 S और CH3, ये मेरे पास क्या होता है थायोइथर होता है।
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करोगे देखिए 1, 2, 3 नंबर ऑफ कार्बन C3 है और 3, 2, 5, 2, 7, और 8 H8 है और S है मेरे पास और देखिए 1, 2, 3 कार्बन नंबर 3 है और 3, 2, 5, और 3, 8 H8 है और S है तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम आ रहा है बट द फंक्शनल डिफरेंस इज इन बिटवीन फंक्शनल ग्रुप में मेरे पास क्या आता है डिफरेंस आ रहा है इसीलिए अपन इसको क्या कंसीडर करेंगे भैया ये मेरे पास क्या हो जाएंगे आइसोमर हो जाएगा कौन सा फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड में अपन देखते हैं नेक्स्ट अपने पास कंपाउंड क्या बोलता है उसको अपन